इसको निकालने का कई एक रास्ता है, एक रास्ता नहीं है। चलो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों दिमाग में ये घंटी क्लिक नहीं किया? देखो जरा सा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बात नहीं क्लिक किया दिमाग के अंदर? yes, है जी। एक बात बताओ मेरे को, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का वैल्यू 1 है? yes, है जी। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, है जी। अब एक बात बताओ मेरे को जरा सा, अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 4 माइनस स्मॉल आर। बोलो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर इन इक्वेशन नंबर 1, नहीं कर सकते हैं? लीनियर इक्वेशन पे इसको तोड़ देंगे और आप कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों ले लीजिएगा। अब तो बन गया, हम तो पहले ही बोले हैं एक स्टेटमेंट बोलेंगे। अभी कॉपी देखेंगे ना तो पटक के मारेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट कैपिटल आर इन इक्वेशन नंबर 1 मींस डैड, बाबू देखो कैपिटल आर की जगह पे हम 4 माइनस स्मॉल आर डाल दिए और माइनस आर एज इट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत है? चलो अब आगे देखो, यहाँ पे बनाए कहाँ बनाए? देखो कैपिटल आर माइनस आर, माइनस आर इज इक्वल टू 1, सॉरी कैपिटल आर कहाँ, 4 ना है, 4 माइनस 2 आर इज इक्वल टू 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 आर, सही है? है जी, है जी। 3 बाई में 2 इज इक्वल टू स्मॉल आर, तो 1.5 सेंटीमीटर आपका आ गया स्मॉल आर। अब 1.5 सेंटीमीटर स्मॉल आर का वैल्यू कहाँ पुट कर दीजिएगा? कहीं भी डाल दीजिए, यहीं डाल दीजिए, यहीं डाल दीजिए, यहीं डाल दीजिए। स्मॉल आर का वैल्यू अगर आप 1 सेंटीमीटर पुट करते हैं, देखो यहाँ पे कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1.5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा? 40 में से 15 गया तो, देखो 40 में से 15 गया कितना होगा? अरे 40 में से 15 गया कितना आएगा? हाँ 25 आएगा, तो 2.5 सेंटीमीटर। अरे 4 में से 1.5 घटाने में तपस्या करना पड़ेगा, तो 4 को 40 ले लो, 1.5 को 15 ले लो, तो 40 में से 15 गया तो 25, 2.5 सेंटीमीटर चेक द आंसर आ रहा है। इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 4 आ रहा है, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, आ गया। तो भाई आलम क्वेश्चन नंबर 32 एक्सरसाइज 15 बी का है, आधा बना हुआ है लेकिन समझा देते हैं इसको। क्वेश्चन करा है क्या कि आपका एक सिलेंडर है, हैं इनके बीच का, इनके सरफेस एरिया का डिफरेंस जो है वह 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बाहर वाले को आप मान लिए कैपिटल आर, अंदर वाले को मान लिए हैं स्मॉल आर। स्मॉल अंदर यहाँ गैप है, कुछ नहीं है, पाइप है। तो पाइप है तो अंदर से खोखला है, तो खोखला है तो काम करो तुम, सबसे पहले बाहर वाले का एरिया ले लो। तो बाहर वाले का कर सरफेस एरिया 2πRh, कैपिटल आर ले लिए बाहर वाले के लिए और स्मॉल आर ले लिए अंदर वाले के लिए, और 2πRh है। तो यहाँ से हमको सबसे पहले एक चीज़ प्राप्त करना है r माइनस आर। तो r माइनस आर मतलब कैपिटल r माइनस स्मॉल r मीन्स कि कैपिटल r है आपके बाहर वाले का कंप्लीट और स्मॉल r है अंदर हवा वाला है। अब पूरे में से अंदर और माइनस कर देंगे सरफेस एरिया, तो आपको पता चल जाएगा कितना हमारा आयरन यूज है जी। तो 2πR लगा दिए और लगा के आप r माइनस आर सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा 1 सेंटीमीटर के, 1 सेंटीमीटर। अब आपको एक चीज और दिया है, क्या दिया है? वॉल्यूम किसका? इसका वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम इसका क्यूब, इसका इस ट्यूब का, इस पाइप का वॉल्यूम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 176 सेंटीमीटर। देखो बाबू उसी प्रकार से यहाँ भी चलो, जैसे एक्सटर्नल माइनस इंटरनल किए हैं उसी प्रकार यहाँ भी चलो एक्सटर्नल माइनस इंटरनल है। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
सिंपल फार्मूला है एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, एरिया आपका सर्कल है पाई आर स्क्वायर है इंटू एच। तो चलो आ जाओ यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू कितना है 176 सेंटीमीटर क्यूब। सेम काम यहाँ पे लगाओ, पाई आर स्क्वायर एच 14 माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू 14 इज इक्वल्स टू 176 सेंटीमीटर क्यूब। क्या करें इसके आगे, पाई और 14 कॉमन निकाल लें, आर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 176 सेंटीमीटर क्यूब। 22 अपॉन में 7 इज इक्वल्स टू 14 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 176 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बोलो ना। चलो अब आ जाओ यहाँ पे हम, तो तुम्हारा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 176, देखो 76 कितना जाएगा टाइम्स में अपॉन में 22 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अच्छा 4 इंटू 2 भी कर दो लो ना। ठीक है 22 सी जाएगा कितने टाइम्स में, 8 बार में 8 टाइम्स में है, और 2 से ये तुम्हारा चला जाएगा 4 टाइम्स में। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 4 सेंटीमीटर होगा, क्यों क्योंकि यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मीन्स एक्सटर्नल रेडियस स्क्वायर माइनस इंटरनल रेडियस स्क्वायर आया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब बताइए दोनों आर, जो इस क्वेश्चन को बना देगा उसको मेरे तरफ से इनाम, जो दोनों आर निकाल के दिखा दिया मेरे तरफ से बम्पर इनाम। नहीं आएगा जो बना देगा, है बुद्धि नहीं है, करो चैलेंज एक्सेप्ट। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, और दम है तो दोनों आर निकाल के दिखाओ, बाकी कुछ नहीं दिया है, बस पूछ रहा है कि आप दोनों आर बताइए ना, बोला है वो क्वेश्चन है। चैलेंज एक्सेप्टेड और नॉट, बनाइए।